आजमगढ़ जिले में पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद को लेकर मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले के देवगांव थाना क्षेत्र के पलहाना बाजार स्थित पिंकल जनसेवा केंद्र की दुकान पर पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले में पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामले में जानलेवा हमले के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही है। इस मामले में देवगांव थाने की पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच का यह विवाद काफ़ी पुराना है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मुकदमे दर्ज कराए हैं। दूसरे पक्ष के दो लड़कों का इलाज जिले के जिला अस्पताल में चल रहा है। इन दोनों युवकों को गंभीर चोट लगी है। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने के प्रयास में लगी हुई है। मामले की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर अभयराज मिश्र ने मामले में वांछित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नीतू उर्फ नितेश पुत्र कल्लू, पदुम प्रधान पुत्र जीता राजभर व सुरेश पुत्र कल्लू भोजपुर देवगांव के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय पेश किया जा रहा है, जिसके बाद इन आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।